हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा गया था। हीलियम ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। पिच बलेट से। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर सोडा में होता है। वाटर सोडा में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस का तत्व नहीं है। यहाँ जीनोन होगा, यहाँ जीनोन होगा। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस का तत्व नहीं है। हाइड्रोजन। हीलियम, नियोन और जीनोन नोबेल गैस है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जंग लगना एक खाली स्थान प्रतिक्रिया है। जंग लगना कैसी प्रतिक्रिया है। ऑक्सीकरण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को। ऑप्शन हो जाएगा सी। रसायन विज्ञान के पिता लेबोजिरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है उर्वरक में। ऑप्शन हो जाएगा डी। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा बी। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध, दस राज युद्ध आपको बताना है किस तट पर लड़ा गया। पड़ोसरी तट पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। पड़ोसरी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद पुस्तक है, आपको बताना है उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है। दर्शन पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहेगा कौन सा पवित्र नदी, अगर कहेगा तो सरस्वती नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी हो जाएगा सिंधु और पवित्र नदी कहेगा तो सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। केकय के। ऑप्शन हो जाएगा बी, केकय के। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। कंठोपनिषद से। ऑप्शन हो जाएगा सी, कंठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। विदेशों में दूतावास खोलने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। टीपू सुल्तान। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। आपको बताना है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ। कर्जन के समय में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कर्जन का महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल का विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। कर्नल असलीमैन। ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नल असलीमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। क्लोरोफिन में कौन सा धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
हवा में निम्नलिखित में से किस गैस के उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? बोल रहा है कि मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में रखा था, जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1929, 1936 और 1937। अब कहेगा कि कांग्रेस के कौन सा पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था? तो 1937 वाला था फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण, ऑप्शन हो जाएगा ए, उग्रवादी चरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसमें उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल का विभाजन, ऑप्शन हो जाएगा बी, 1905 का बंगाल का विभाजन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन हो जाएगा बी, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता बनी थी। वही कर देगा, भारतीय लगा देगा तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। अगर केवल कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कहाँ तो किए थे, ये कलकत्ता 1917, और भारतीय जोड़ देगा कि पहली भारतीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:1, CHO का अनुपात बताना है, 1:2:1 हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात है 1:1। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसमें संवहन होता है? आपको बताना है किसमें संवहन होता है, तो केवल द्रव्य और गैसों में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, ऑप्शन हो जाएगा ए, पदार्थ की चमक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अंडा देने वाली स्तनधारी कौन है? प्लेटिपस, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन हो जाएगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा? गुप्त काल। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है? प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? पेपर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रेयन रासायनिक रूप से है, आपको बताना रेयन रासायनिक रूप से क्या है? सेलुलोज। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? संचार के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी, संचार में। आपको बताना है कि साबुन क्या है, साबुन क्या है? भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फर के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान करता है? कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, लकड़ी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और राल, लकड़ी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और राल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलेंट कांच या ग्लास एकिंग को बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? पैराफिन मोम पेट्रोलियम मोम है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही कहेगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? मैथिली। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लीमेनहॉक। ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि 1683 में किए थे। लीमेनहॉक किस देश के थे? हॉलैंड के। वही कहेगा विषाणु की खोज पहली बार किसने किया था? 1892 में यूनास्की ने किया था, जो कि रूस के थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिनाम पद्धति की प्रतिपादक कौन है? कैरोलस लिनियस। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। ऑप्शन हो जाएगा डी, अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है
शुक्रवाहिका, ऑप्शन हो जाएगा सी शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां है? सौराष्ट्र में, ऑप्शन हो जाएगा सी सौराष्ट्र महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी, ऑप्शन हो जाएगा डी कोट दीजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एकदम बिहार पुलिस के बेसिस पर आधारित क्वेश्चन था, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।